हेलो फ्रेंड, shashishukla.com किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आलू परवल की सब्जी बनाना बताने जा रही हूँ, जो हमारे यहाँ यूपी में शादी वगैरह में पार्टी में बहुत ही फेमस है। हम लोग के यहाँ यूपी में, खासकर लखनऊ के हैं हम, तो वहाँ पे बहुत बनाई जाती है। शादी में ज़रूर एक रेसिपी आलू परवल की रखी जाती है, अगर गर्मी का सीज़न है या कोई भी फंक्शन है तो मैं आपको वही सब्ज़ी पार्टी स्टाइल बनाना बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए देखिए, मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। आपने देखा होगा कि जो भी हलवाई या फिर रेस्टोरेंट ढाबे में बनाते हैं, वो कोई नॉनस्टिक या फिर एल्युमिनियम की कढ़ाई में नहीं बनाते हैं, वो लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं। तो मैंने ये देखिए एक चम्मच तेल लिया है, पूरी रेसिपी में 2 टेबल स्पून तेल जाएगा, अभी एक चम्मच मैंने लिया है। और ये देखिए, मैंने परवल को छील के ऊपर से खुरच लिया है, बस इसको, इसका छिलका मोटा हमें नहीं उतारना है। ये देखिए, ऐसे लेके परवल को हमें ऐसे खुरच लेना है, फिर धो के, और इसके एक परवल में हमें 8 टुकड़े मैंने कर लिए हैं। और ऐसे ही मैंने आलू भी काटा है, इसी शेप में आलू भी काटा है जैसा परवल है। तो इसको हम भुनने के लिए रख देंगे, डाल देंगे इसी कढ़ाई में। ये 250 ग्राम परवल है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। पहले हम परवल को अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि परवल में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें परवल को अच्छे से भूनना ज़रूरी है। और अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है, जो आपके पास है कढ़ाई बर्तन, आप उसमें बना सकते हैं। डिश बनाने में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मेरे पास लोहे की है, इसलिए मैं ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो इसको हमें अच्छे से भून लेना है, इसको 5 से 6 मिनट लगेगा परवल को अच्छे से भूनने में, तभी रेसिपी में टेस्ट आएगा। तो चलिए पहले हम परवल भून लेते हैं। और ये देखिए, मैंने आलू काट लिया है। आप 2 मीडियम साइज़ की प्याज भी बारीक चॉप कर लीजिएगा, 3 टमाटर पीस लीजिएगा, और लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने के लिए हमें 8 से 10 कलियाँ लहसुन की लेंगे, और 1 टुकड़ा अदरक का, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। उसमें 2 हरी मिर्च भी डाल लीजिएगा, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बन जाएगा। तो चलिए पहले हम इसको भूनते हैं और बाकी की तैयारी करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारा परवल भुन चुका है, अब हम इसको निकाल देंगे। और ये देखिए, हमारे कढ़ाई में भी तेल बच गया है, हम तेल को अलग करके और परवल निकाल देंगे। ये देखिए, परवल ऐसे ही भुनना है आपको, थोड़ा अच्छे से भुनना है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। फिर ये अगर अच्छे से नहीं भुनेगा तो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। अब हम आलू डाल के आलू को भी भून लेंगे। आपने देखा होगा, हलवाई कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो पहले सब्जियों को अच्छे से फ्राई करते हैं, तो हम अब आलू को अच्छे से भून लेंगे। इसमें भी 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। ये देखिए फ्रेंड, हमारा परवल भून चुका, आलू भी भून चुका है, परवल के साथ आलू भी हमें भूनना था तो वो भी भून चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, इसी परवल वाली प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे, तेल को साइड करके, और हमें सारे आलू निकाल लेने हैं। ये देखिए, अभी भी तेल पूरा हमारा बचा हुआ है, जितना मैंने तेल डाला था वो तेल पूरा का पूरा वैसे ही है। तो आलू पहले हम निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, आलू हमने निकाल दिया है। अब मैंने पहले 1 चम्मच तेल डाला था, और 1 चम्मच से थोड़ा कम तेल और डालूंगी मैं। अब हमें मसाले भुनने हैं, तो तेल को पहले हम गर्म होने देते हैं। अब तक ये देखिए, खड़े मसाले मैंने निकाल लिए हैं, इसको हम डालेंगे इसमें। ये देखिए, खड़े मसाले में मैंने लिया है 2 लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता, और मैंने ली है 2 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 3 लौंग ली है, 1/2 छोटा चम्मच मैंने हींग लिया है, और ये देखिए थोड़ा सा मैंने लिया है मेथी, थोड़ा सा मतलब 10 से 15 दाने मेथी के लिए मैंने। और ये देखिए, मैंने 1/2 छोटा चम्मच जीरा लिया है, 5 से 6 काली मिर्च ली है। ये सारी चीज़ें हमें इसी में डाल देनी है, खड़े मसाले, और इसको थोड़ा सा हमें भून लेना है। फिर मैंने ये देखिए 2 मीडियम साइज़ की बारीक प्याज काट ली थी, इसको हम भूनेंगे। पहले मसाले हमारे भून जाएंगे, उसके बाद, मुझे पता है बहुत से लोगों को ये रेसिपी आती होगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं आती है। बहुत सी जगहों में परवल को, परवल पता भी नहीं है कैसे बनता है, कैसे खाया जाता है। मैं पंजाब गई थी, मेरे हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब है, तो मैं जगह जगह हमारा ट्रांसफ़र होता रहता है। तो अभी इससे पहले मैं पंजाब में थी, तो वहाँ लोगों को नहीं पता है कुछ लोगों को परवल कैसे बनता है। मैं सब्ज़ी लेने जाती थी तो कुछ लोग पूछते थे कि ये क्या चीज़ है, ये कैसे बनती है, तो उनको ये बताना पड़ता था। ज़रूरी नहीं है सबको सारी चीज़ें पता हो, तो मैं ये रेसिपी इसीलिए बना रही हूँ कि जिसको नहीं पता है उसे भी पता चल जाए कि कैसे बनता है ये। तो पहले हम अब प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे।
ये देखिए फ्रेंड, हमारी प्याज भून चुकी है। हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और इसको भी हम भून लेंगे। इसी के साथ हम इसमें टमाटर का भी पेस्ट डाल देंगे और अब हम इसके साथ इसमें मसाले डाल देंगे और हमें ताकि हमारा मसाला अच्छे से भूनते रहे। इसी के साथ में अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार आप डालिएगा, जैसा भी आप खाते हो नमक मिर्च मसाला आप अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 2 छोटे चम्मच धनिया का डाला है, चम्मच ये है, 1/2 छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है, कश्मीरी मिर्च डालूंगी मैं 1 छोटा चम्मच, क्योंकि आपने देखा होगा हलवाई का कलर अच्छा आता है, हलवाई जो सब्जी बनाते हैं। थोड़ा सा मैंने किचन किंग मसाला डाला है 1/2 छोटा चम्मच और हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। इस मसाले को बहुत अच्छे से हमें मसाले भुनने हैं, मीडियम फ्लेम पे ही, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं, मीडियम फ्लेम पे मसाले को हमें भुनना है जब तक कि मसाला हमारा तेल ना छोड़ दे। लगातार चलाते हुए मसाला लगना नहीं चाहिए। फ्रेंड इसमें हम थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे, ये ऐसे करके थोड़ा सा रगड़ के इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच मैंने लिया है, 1 टेबल स्पून के लगभग मैंने मेथी ले लिया था, कसूरी मेथी। इसका ये पार्ट जो होता है रेशे सा, इसको हटा देंगे और इसी के साथ हम इसको भून लेंगे, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्जी में। अब मसाले को हमें लगभग 5 मिनट लगेगा इस मसाले को मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनने में, हाई फ्लेम नहीं करना है, लो फ्लेम पे ही आप मसाला भूनिए। ये देखिए फ्रेंड हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें ये आलू परवल जो हमने भुना था इसको डाल देंगे और इसको इसमें मिक्स कर देंगे इसी के साथ, और इसको हम 3 से 4 मिनट ऐसे ही इसके साथ पकने देंगे पहले। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, पहले मसाले भी अच्छे से आलू और परवल में लिपट जाए और थोड़ा सा इसमें पहुँच जाए अच्छे से, तब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड 5 मिनट हो गए हैं हमारा आलू परवल मैंने मसाले में डाले हुए, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालिए, अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो उसे हिसाब से पानी डालिए, कम ग्रेवी रखनी है तो आप पानी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम सब्जी को पकने देंगे, मैं थोड़ी सूखी ही बनाऊंगी चपाती या पूरी के साथ खाने के लिए। अगर आपको राइस के साथ खाना है, राइस के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है, तो थोड़ा सा आप ग्रेवी बढ़ा सकते हैं। मैं इसको लो फ्लेम पे इसको पकने दूंगी जब तक कि हमारा आलू और परवल अच्छे से पक ना जाए। वैसे तो 50% ये भूनते समय पक चुका है और 50% हमें और पकाना है, तो हम इसको ढक के और पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड हमारी सब्जी पक चुकी है और हम इतनी ग्रेवी रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे और ना ही इससे कम, थोड़ी ये लुटपुटी सी अच्छी लगती है। हम देख लेंगे हमारे आलू और परवल पक गए हैं कि नहीं, तो इसको देखने के लिए सबसे मोटा आलू चेक करिए, इससे पता चल जाता है कि हमारे आलू और परवल पक गए हैं। तो अब मैं गैस को बंद करूंगी और थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी। हमारी सब्जी पक चुकी है, मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड हमारे आलू परवल की रेसिपी बन चुकी है, सब्जी बहुत अच्छी बनी है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, तो आप जैसे मैंने बताया है वैसे ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। मैं सिंपल रेसिपीज़ लाती हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रिकी ऐसा कोई रेसिपी नहीं लाती हूँ जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो और वो देख के ऐसे ही छोड़ दें। मैं ऐसी रेसिपी बनाती हूँ जो एक बार ज़रूर ट्राई करें बनाने के लिए आप लोग। तो फ्रेंड अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।